हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर्क एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एसएससी सीएचएसएल जो 3 अगस्त 2023 का पेपर हुआ उसके शिफ्ट 2 के रीजनिंग सेक्शन के सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको आने वाले एग्जाम्स में मिलेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपका नंबर सीरीज पर बेस्ड। नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताना है क्या आएगा, कुछ जो है लॉजिक के बेस पर। अगर 1 से 10 देखा जाए आपका, तो आपका हुआ है +9। फिर अगर आपका 10 से 28 देखा जाए तो +18। फिर 28 to 55 आपका 27 हुआ है प्लस। फिर आपका 36, यानी 9 की जो टेबल है वो प्लस होती जा रही है हर बार। तो लास्ट में आपका 136 प्लस जो है 54 होना चाहिए, और 136 प्लस 54 करते हैं तो 190 आएगा। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। यानी 1 से आपका जो 10 है +9, फिर +18, फिर +27, फिर +20 जो है, फिर 36 और फिर +45 और फिर लास्ट में फिर जो है हमारा 54 जो है प्लस होना चाहिए। सो 136 प्लस 54 190, और ऑप्शन 1 जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका नंबर्स के पेयर दिए गए हैं। पहले 2 जो पेयर्स दिए गए हैं इनमें जो है नंबर्स के बीच कुछ लॉजिक है, कुछ रिलेशन है जिसके आधार पर वो रिलेटेड है। उसी के आधार पर बताना है कि नंबर जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उनमें कौन सा पेयर सेम रिलेशन पर आधारित है। ध्यान से देखेंगे पहले वाले नंबर्स को, लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं 9 और 18, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 162 आता है फर्स्ट नंबर। ऐसे ही अगर लास्ट के 2 नंबर 11 और 21 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 231 आता है, जो कि फर्स्ट नंबर है। तो लॉजिक क्या है दोनों में? सेम लॉजिक है कि लास्ट के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट नंबर आ रहा है। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन 1 में दिए गए जो नंबर हैं उनमें 28 और 12 को मल्टीप्लाई करके 336 आता है, और ये सेम लॉजिक पर बेस्ड जो है हमारा ऑप्शन है। बाकी 3 ऑप्शन में ये जो लॉजिक है वो फॉलो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मिरर इमेज बेस्ड। इसमें आप ऑप्शन से डायरेक्ट देखेंगे कि इन नंबर्स और लेटर्स की जो है मिरर इमेज कौन से ऑप्शन में सही बनी है। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आप हर एक नंबर की जो है मिरर इमेज देख सकते हैं। तो करेक्ट मिरर इमेज जो विजुअल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। इसको आपका जो पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाता है, अब ये वर्ड में लिखा गया है। 125 रिलेटेड है 50 से, इसी सेम लॉजिक पर 230 रिलेटेड है 92 से। तो बताना है सेम लॉजिक के आधार पर 315 किस ऑप्शन वाले नंबर से जो है ये रिलेटेड होगा। 125 से अगर 50 देखा जाए तो 125 डिवाइड बाई 50 आपका रेशियो आता है 5:2। नेक्स्ट आपका 230 डिवाइड बाई 92 देखा जाए तो सेम जो है 5:2 आपका रेशियो आता है। अब हम सॉल्व करेंगे 315 को। 315 डिवाइड बाई कुछ नंबर होना चाहिए जिसका रेशियो 5:2 आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 315 का डबल होगा 630, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी, और ये आता आपका 126। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। तो सिंपली रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था। दोनों नंबर का जो रेशियो है वो सेम है, 5:2 या 5:2। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर एक्स है उसको निकालना है। 4 से 11 देखते हैं +7 हुआ है, 11 to 25 +14। फिर आपका 25 से 46 है जो +21, और 46 से 74 जो है +28। यानी 7 की टेबल जो है प्लस हो रही है 7, 14, 21 और 28। नेक्स्ट आपका प्लस होना चाहिए 35। तो 74 में अगर 35 ऐड करते हैं 109 आएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ये आपका ब्लड रिलेशन पर आधारित है जो कि कोडेड ब्लड रिलेशन है। दी गई जो हमारी कोडेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर इस इक्वेशन की जो है हम जो फैमिली डायग्राम है वो ड्रॉ करेंगे। इस इक्वेशन में हम लास्ट से ड्रॉ करना शुरू करेंगे T+S, यानी T इज़ द सन ऑफ S। तो S ये हो गया, इसके सन जो है वो T है। R-T मीन्स जो है R इज़ द सिस्टर ऑफ T, T की सिस्टर R है। Q डिवाइड बाई R मीन्स जो है Q इज़ द ब्रदर ऑफ R, Q इनका भाई है। P मल्टीप्लाई Q, इसका मीनिंग होगा आपका P इज़ द मदर ऑफ़ Q, क्योंकि मदर जो है वो P है। तो Q की मदर अगर P होगी
तो उनका फादर जो है एस होगा, एस का हमको जेंडर पता चल गया। रिलेशन पूछा गया पी का रिलेशन एस से क्या है, तो जो पी है वो एस की वाइफ है, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, देखिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें जो अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो आपको ये वैल्यू नहीं मिल रही, हम इसको सोल्व ही नहीं कर पा रहे, ऐसा 18/17 आ जाता है और हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो पॉइंट्स में आता है। तो यहाँ पर जो सभी ऑप्शन इंटीजर में दिए गए हैं, तो ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसमें गलती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, ये आपका लेटर्स की सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। मिसिंग जो लेटर का पेयर है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं पहले लेटर्स को, ए से सी, सी से ई और ई से जी, हर बार जो है प्लस टू हो रहा है, अगर जी में प्लस टू किया जाए तो आपका आएगा आई। सेकंड लेटर्स हैं डी एफ एच और जे, तो हर बार जो है यहाँ पर भी प्लस टू हो रहा है, और अगर जे में प्लस टू किया जाए आपका आएगा एल। फिर आपका लास्ट लेटर है ई एच के और एन, यहाँ पर हर बार जो है प्लस थ्री हो रहा है, और अगर हम जो है एन में प्लस थ्री करते हैं तो हमारा आएगा क्यू, तो आई एल क्यू आ रहा है, और ये आपका ऑप्शन 4 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक कोड लैंग्वेज में जो है फ्लोरेंस को लिखा गया 86, ग्रेटिट्यूड को लिखा गया सेम लैंग्वेज में 114, तो फोर्न को सेम लॉजिक के आधार पर क्या लिखा जाएगा। देखिए ध्यान से देखेंगे हम लेटर्स को, फ्लोरेंस में जो है लेटर्स की प्लेस वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हमारा सम आएगा 78, और प्लस में 8 करेंगे तब हमारा 86 आएगा, और 8 ये क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स इन फ्लोरेंस, तो लॉजिक क्या है जो सम ऑफ प्लेस वैल्यू प्लस नंबर ऑफ लेटर्स। अब हम जो है वेरीफाई करेंगे कि क्या सेम लॉजिक नेक्स्ट में भी है, अगर नेक्स्ट में भी सेम लॉजिक हुआ तो हमारा लॉजिक जो है बिल्कुल सही होगा। अगर ग्रेटिट्यूड के जो है सम ऑफ प्लेस वैल्यूज जो है अल्फाबेट्स या लेटर्स की वो ऐड किया जाए तो 105 आता है, और इसके लेटर्स हैं 9, तो 9 + 105 = 114, यानी लॉजिक दोनों में सेम है, और हमारा लॉजिक जो हमने यहाँ पर निकाला है लॉजिक वो बिल्कुल सही है। तो अब हम फोर्न में सेम लॉजिक लगाएंगे, फोर्न के जो लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू ऐड करते हैं, F6, O15, R18, E5, I9, G7 और N14, सभी को ऐड करते हैं तो 74 आएगा। प्लस फोर्न में जो लेटर्स हैं वो हैं आपके 7, 74 प्लस 7 आपका आएगा 81, और ये आपका ऑप्शन 3 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लेटर्स की सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है एक और, MXUQCAUHGYMM? तो पहले लेटर्स देखते हैं M से Q, Q से U, U से Y, तो हर बार जो है प्लस 4 हो रहा है, और अगर हम Y में प्लस 4 करते हैं तो हमारा आएगा C। सेकंड लेटर्स में जो है आपका X से C, C से H, H से M, हर बार जो है प्लस 5 हो रहा है, और अगर हम जो है M में प्लस 5 करते हैं तो आएगा R। फिर हमारा जो लास्ट लेटर्स हुआ है U, U से A, A से G, G से M, हर बार जो है प्लस 6 हो रहा है, तो हमारा अगर M में प्लस 6 किया जाए तो हमारा लेटर आएगा S, तो CRS ये दिया गया ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका फिर से एक साइन इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन है, आपने इसको प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और मल्टीप्लाई की तरह जगह जो है डिवीजन, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन में पुट करना है, इन साइंस को आपस में इंटरचेंज करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप सोल्व करेंगे तो 76 आएगा और ऑप्शन 3 आपका जो है करेक्ट होगा, तो आप इसको सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका एक और जो है कोडेड ब्लड रिलेशन पर आधारित ये क्वेश्चन है, हम दी गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो है अपनी जो है फैमिली डायग्राम है वो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लास्ट से देखते हैं एन प्लस ई, एन प्लस ई का मीनिंग क्या होगा, एन इज द वाइफ ऑफ ई, ई की वाइफ एन है, यानी ये ई प्लस मेल है उसकी वाइफ एन है, ये माइनस हो गया ब्रैकेट में। वी डिवाइड बाई एन, इसका मतलब होगा वी इज द फादर ऑफ एन, एन का फादर जो है वो है वी। फिर आपका बी मल्टीप्लाई वी, यानी बी इज द सिस्टर ऑफ वी, वी की सिस्टर जो है बी है। पी माइनस बी, पी माइनस इसका बी का मीनिंग होगा पी इज द ब्रदर ऑफ बी, बी के ब्रदर है पी, तो इसके ब्रदर है पी, तो ये आपका जो है फैमिली डायग्राम हो गया। रिलेशन पूछा गया पी का रिलेशन एन से क्या है, देखिए जो पी है वो एन के फादर के भाई हैं, यानी फादर्स ब्रदर, ये दिया गया ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं आपका, रिपीटेड सीरीज होती है जो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या आपका
जो लेटर्स हैं वो है आपके 12। तो या तो 4 के पेयर बन सकते हैं या 3 के। 4 के पेयर बना के देखते हैं हम तो कोई लॉजिक जो है फिट नहीं बैठता। अगर 3 के डायरेक्टली पेयर देखते हैं तो डी सी डी, डी सी डी, ये आपका 4 बार जो है डी सी डी का पैटर्न बन रहा है। और आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स के प्लेस पर इसमें लेटर्स आएंगे वो आएंगे डी डबल सी डी। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है 3-3 जो लेटर्स के हैं पेयर वो रिपीट हो रहे हैं 4 बार डी सी डी पैटर्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फिगर सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 4 फिगर दिए गए हैं सीरीज में किसी पैटर्न पर, उसी पैटर्न पर बताना है पांचवा फिगर कौन सा आएगा ऑप्शन में से। देखिए सबसे पहले अगर ये वाला जो कर्व पैटर्न है इसको नोट किया जाए, ये जो है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में नेक्स्ट साइड पर जो है शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, तो नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर ये होना चाहिए। तो ये ऑप्शन 1 में दिया गया है। और साथ में आपको अंदर वाला फिगर भी चेक करना है। अंदर वाले फिगर में जो सर्कल है वो ऊपर है, फिर नीचे कर दिया ये, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी अब ऊपर होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 में ये ऊपर है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर है आपका ऑप्शन 1। तो ये विजुअल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है और लॉजिक हमने देख लिया कैसे फिगर में पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एक और कोड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल को लिखा गया 4263, फिर आपका लिखा गया ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल को 6336। ओके, ये लिखा गया है, सॉरी कोड है आपका ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल का है 4263 MOLUE, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल का है MOLUE 6336। ध्यान से देखा जाए पहली और जो दूसरी इक्वेशन है, ये दो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इनमें 3 कॉमन वर्ड्स हैं ऑल आर ब्यूटीफुल, और जो कॉमन जो कोडिंग में वर्ड है वो है 63 MO और LUE। तो इन दोनों के आधार पर जो ऑप्शन 1 में जो पहली जो इक्वेशन है उसमें बचा हुआ जो वर्ड है वो है आपका किंग्स, और जो नंबर बचा हुआ है वो कोडिंग में वो है 42। तो किंग का ही आपको जो है कोड पूछा गया वो है 42। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। तो डायरेक्टली देख के भी आप बता सकते हैं दोनों को कंपैरिजन से कि किंग का क्या कोड होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सिलोगिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं हमारी जो है दी गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर, दी गई स्टेटमेंट्स के आधार पर। सम की जाए स्केल्स, कुछ की जो है वो स्केल हैं। फिर आपका है ऑल बुक्स आर पेपर्स, नेक्स्ट देखते हैं ऑल स्केल्स आर पेपर, सभी स्केल जो है वो पेपर हैं, और ऑल बुक्स आर पेपर, ये आपका सभी बुक्स हैं। तो ये आपको जो है सेकंड स्टेटमेंट को बाद में ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले थर्ड को जो है, थ्री जो स्टेटमेंट है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। सॉरी ये रॉन्ग डायग्राम है, फिर से देखते हैं सम कीज आर स्केल्स हो गया। फिर आपका थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं ऑल स्केल्स आर पेपर, सभी स्केल्स जो है पेपर है, फिर ऑल बुक्स आर पेपर, यानी बुक्स जो है पेपर के अंदर आएंगे। ये वेन डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है। पहला कंक्लूजन नो बुक्स आर कीज, कोई भी बुक कीज नहीं है, तो ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये कंफर्म नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। सेकंड है सम पेपर्स आर कीज, जो कुछ पेपर है वो हमेशा की होंगे, ये कॉमन रहेगा पार्ट इसके बीच, तो ये फॉलो करेगा। ओनली सेकंड फॉलो, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें लेटर और जो नंबर्स हैं उनकी जो है मिक्स सीरीज दी गई है। BV101 क्वेश्चन मार्क, DX109, EY113, FZ117। नंबर्स को लास्ट में जो नंबर्स दिए गए हैं 101 क्वेश्चन मार्क, 109, 113, 117, इनको ध्यान से देखा जाए तो इनमें जो है लास्ट से देखते हैं तो 4 का डिफरेंस है, यानी शुरू में भी 4 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी नंबर आपका आएगा 105, क्योंकि 101 में अगर 4 प्लस करेंगे 105 आएगा, और ये आपका सिर्फ ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। ओके, बाकी किसी ऑप्शन में 105 नहीं दिया गया है, तो आपको जो है लेटर्स को यहाँ पर चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे आप चेक कर सकते हैं, अगर पहले लेटर्स को देखा जाए तो आपका प्लस 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो उसके आधार पर जो है पहला जो लेटर आएगा आपका वो सी आएगा। फिर आपका अगर सेकंड लेटर्स को देखा जाए तो आपका प्लस 1 का पैटर्न चल रहा है यहाँ पर भी, तो वी से आपका डब्ल्यू आएगा, सी डब्ल्यू आएगा, लेकिन इसको हमको चेक करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। ऑप्शन के आधार पर जो है पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, सिर्फ नंबर से ही। यहाँ पर फिर से नंबर्स का पैटर्न दिया गया है, इसको आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। इसी जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है, जो इनके बीच रिलेशन है दोनों के बीच किसी लॉजिक पर ही आधारित है, उसी लॉजिक पर ऑप्शन में से कौन सा नंबर आधारित है, बेस्ड है।
लेकिन इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर पूछा गया है इन दो में जो लॉजिक है वो ऑप्शन में किस जो है ऑप्शन में नहीं है, डू नॉट शेयर द सेम रिलेशन, तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप इसको नोट को नहीं पढ़ेंगे ध्यान से तो आप ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो 4 से 75 है जो, क्या रिलेशन है, 4 की क्यूब होता है 64 और प्लस आपका हुआ है 11, फिर आपका 2 की क्यूब होता है 8 प्लस हुआ है 11, यानी क्यूब है नंबर की प्लस 11 किया गया है। ऐसे सभी ऑप्शन में चेक करते हैं, 3 की क्यूब 27 प्लस 11 जो है आपका 38 होता है, 7 की क्यूब जो है 343 प्लस 11 354 होता है, 6 की क्यूब 216 होता है और -4 किया गया है, यानी लॉजिक जो है यहाँ पर अलग हो गया, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर ऑड वन है आपका। लास्ट में भी 5 की क्यूब प्लस जो है 11 किया गया 136 है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी 3 में लॉजिक सेम है जो ऊपर दिए गए नंबर्स में है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, फिर से आपकी मिक्स सीरीज है नंबर्स और लेटर्स की, तो आइए हम चेक करते हैं इसको। सबसे पहले हम नंबर्स को ही देख लेते हैं, 27, 64, 216, 330, 343। देखिए जो 27 है 3 की क्यूब है, फिर 4 की क्यूब है, फिर आपका 5 की क्यूब आना चाहिए, फिर 6 की क्यूब है, 7 की क्यूब है, यानी नंबर आना चाहिए 125। तो नंबर सिर्फ एक में दिया गया 125, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। बाकी जो वर्ड्स जो लेटर्स हैं उसको आपको चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका ऑप्शन 3 आंसर होगा। एक बार देख लेते हैं लेटर्स को, एम से के आया फर्स्ट लेटर में, के से जो है क्वेश्चन मार्क, फिर जी, फिर ई, तो हर बार -2 हो रहा है, तो मिसिंग जो लेटर है वो आपका होगा आई, जो कि आपका के -2 होगा। फिर आपका सेकंड लेटर देखते हैं, वाई से जेड, जेड से क्वेश्चन मार्क, फिर बी, फिर सी, तो यहाँ पर +1 हो रहा है हर बार, तो आपका मिसिंग जो लेटर आएगा सेकंड ए आएगा, आई ए 125, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है ये, हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले 6 नवंबर 1925 को सोल्व करेंगे, देखते हैं 6 प्लस नवंबर के जो ऑड डेज होंगे 4, कोडिंग होती है जो, इससे रिलेटेड पूरी वीडियो आप जो है पूरी चैप्टर वाइज वीडियो है वो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जो है मेथड कैसे ट्रिक है इसको सोल्व करने की, क्या कोड्स यूज करते हैं वो आप पूरा उसमें देख सकते हैं। फिर आपका जो है 1925 को डिवाइड करेंगे 1600 प्लस 300 प्लस 25, तो जो 1600 में ऑड डेज 0 होंगे, 300 में भी आपके ऑड डेज 0 होंगे, 25 आएगा प्लस आपका 25 ईयर्स में जो है लीप ईयर होंगे 6, सबको ऐड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा आपका 6, और ऑप्शन में जो क्वेश्चन में दिया गया फ्राइडे है डे, तो 6 के अकॉर्डिंग अगर रिमाइंडर 6 आया तो ये आपका फ्राइडे आता। ऐसे ही अगर 16 दिसंबर 1933 को सोल्व करेंगे, 16 प्लस दिसंबर का 6 कोड आता है, फिर आपका 0 300 जो ईयर्स आएंगे इसमें से 1600 प्लस 300 प्लस 33 प्लस 33 में जो लीप ईयर आएंगे वो 8 आएंगे, पूरे को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा आपका 0। अगर 6 के बाद 7 आता रिमाइंडर, यानी 7 में 7 से पूरा डिवाइड होता है 0, रिमाइंडर उसके नेक्स्ट आता है। अगर 6 में फ्राइडे है तो 0 में आपका सैटरडे होना चाहिए, तो डे आएगा सैटरडे, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 लेटर्स की एनालॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन है, यू के जी रिलेटेड है वी पी एल एच से, सेम रिलेशन पर के क्यू डब्ल्यू वाई रिलेटेड है एल आर एक्स जेड से, बताना है सेम लॉजिक के आधार पर जो है ए एम एस डब्ल्यू किससे रिलेटेड होगा। यू ओ के जी में देखा जाए लेटर्स को, यू से वी, ओ से पी, के से जी, सॉरी के से एल और जी से एच, हर बार +1 हो रहा है। सेम लॉजिक नेक्स्ट में देखते हैं, के से एल, क्यू से आर, डब्ल्यू से एक्स और वाई से जेड, हर बार +1 हो रहा है, तो लॉजिक दोनों में सेम है, यानी थर्ड में भी यही सेम लॉजिक लगेगा। ए से +1, बी, एम से एन, एस से टी और डब्ल्यू से एक्स, बी एन टी एक्स, ऑप्शन 1 जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड, ओड वन बताना है 4 ऑप्शन में, 3 में सेम रिलेशन है, 1 उनसे अलग रिलेशन है, तो आपको बताना है ओड कौन सा है जिसमें अलग रिलेशन है नंबर्स के बीच। देखिए 15 का स्क्वायर वर्ड 225 होता है, 19 का स्क्वायर 361, 9 का स्क्वायर 81, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 की क्यूब जो होती है वो 64 होती, तो आपका पहले 3 नंबर्स में सेम रिलेशन है स्क्वायर दिए गए नंबर्स के, 4th में जो है क्यूब दिया गया, तो ये ऑड वन है आपका, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये विजुअल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन से जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, इस डायग्राम का राइट साइड में मिरर में क्या इमेज बनेगा, तो ऐसे ही इसको मिरर में पलटेंगे
तो आप जो है कौन सा पैटर्न, किस फिगर का कौन सा इंडिविजुअल पार्ट जो है कैसे बनेगा, वो आपको ऑप्शन में से पहचानना है कि कौन सा करेक्ट है। तो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन फोर में जो है सभी पार्ट्स का मिरर इमेज अच्छे से जो है करेक्ट दिया गया। ऑप्शन फोर आपका यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, सिलोगिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट से हम जो है अपना वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ऑल पेंसिल्स आर कार्टून, सम पेंसिल्स आर कार्टून, कुछ पेंसिल जो है वो कार्टून है, ये कार्टून ये पेंसिल। ऑल कार्टून्स आर रिवर्स, सभी कार्टून रिवर्स है। ऑल रिवर्स आर शैडोज, ये शैडोज। आप ये वेन डायग्राम हो गया, पहली स्टेटमेंट है जो कंक्लूजन है, ऑल पेंसिल्स आर शैडोज, सभी पेंसिल शैडोज है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी, कन्फर्म नहीं है तो ये फॉलो नहीं करेगा। सेकेंड जो है ऑल कार्टून्स आर शैडोज, सभी कार्टून शैडोज के अंदर है, तो ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। सम शैडोज आर पेंसिल, कुछ शैडो पेंसिल के साथ कॉमन है, क्रॉस कर रहे हैं, तो ये भी आपका सही है। तो टू और थ्री फॉलो कर रहे हैं, यानी ऑप्शन वन जो है आपका करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये है नंबर ऑफ फिगर्स की काउंटिंग से रिलेटेड। इस फिगर में जो है ट्रेंगल्स को काउंट करना है। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए, ट्रेंगल एक बड़ी ट्रेंगल है, उसके अंदर लाइंस खींची गई है, फिर से सेम पैटर्न नीचे है, सिर्फ ट्रेंगल्स बड़ी कर दी गई हैं, तो इनमें क्या करेंगे, जो पार्ट है अलग अलग अंदर उनकी नंबरिंग कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 1, फिर उनको ऐड करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट है अंदर, सब में 4 पार्ट्स हैं, सेम लाइंस हैं सब में, तो 1 + 2 + 3 + 4 उनको ऐड कर लेंगे, ये होंगी इस फिगर में ट्रेंगल्स, 10 होंगी। ऐसे ही इस फिगर में 10 ट्रेंगल्स, ऐसे ही इस फिगर में 10 ट्रेंगल, टोटल ट्रेंगल्स हो गई 30। ऑप्शन टू में ये दिया गया। कभी भी इस पैटर्न का क्वेश्चन मिले, ट्रेंगल के अंदर कुछ लाइंस खींची गई हैं स्ट्रेट लाइंस ऐसे, तो उनमें जितने भी अंदर पार्ट हैं उनकी नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, फिर सबको ऐड कर देते हैं इन नंबर्स को, तो ये एक फिगर में इसमें ट्रेंगल्स होंगी। ऐसे ही तीन फिगर हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 ट्रेंगल्स। तो ये आज का जो है शिफ्ट से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन था आपका। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर आपको करवाता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं और आप आसानी से इनको कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इन क्वेश्चन के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल हो रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आप जो है वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। ऐसा करने से आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आप आसानी से बिना किसी परेशानी के हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो शिफ्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके साथ। थैंक यू।